नमस्कार दोस्तों, करेंसी वीकली एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। आज है 24th of March 2024 संडे एंड आई एम योर होस्ट आशीष वर्मा। पिछले हफ्ते यानी आपका 18th मार्च से 22nd मार्च तक करेंसी पेयर्स में क्या क्या एक्टिविटीज हुआ है एंड यहाँ के बाद हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डॉलर इंडेक्स जो वीकली क्लोज है वो है आपका 104.43 with an 0.95% higher close than the previous weeks. So back to back दो हफ्ते का एक पॉजिटिव मूवमेंट हमने डॉलर इंडेक्स पे देखा है। और क्या सोच सकते हैं हम, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस। So next week यानी मंडे ऑनवर्ड्स क्या इस रेजिस्टेंस जोन पे आपका डॉलर इंडेक्स रेस्पेक्ट करके सॉफ्ट होगा, नीचे की तरफ आएगा, या इस रेजिस्टेंस इंक्लाइन ट्रेंडलाइन रेजिस्टेंस जो है इसको तोड़ के ऊपर के तरफ टुवर्ड्स 106.75 के तरफ जाएगा, ये हमें देखना है। अभी आते हैं डेली चार्ट में। डेली चार्ट में भी बैक टू बैक दो दिन अच्छा खासा पॉजिटिव मूवमेंट देखा गया है। वही RSI जस्ट क्रॉस्ड अबव 62, क्रॉस्ड अबव 60, करेंटली एट 62.12। So, what next के लिए यहाँ पे हमें वही देखना है कि ये जो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है, इंक्लाइन ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस जोन को क्या डायरेक्टली ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ जाते हैं टूवर्ड्स 106.75, या ये इस जोन के आसपास रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आता है। बिकॉज वीकली पर्सपेक्टिव में जो RSI है करेंटली एट 54.58, ये 60 के आस नजदीक आने के बाद थोड़ा रेजिस्टेंस लेना चाहिए। तो हमें थोड़ा सा अकॉर्डिंगली कॉशियस अप्रोच हमें यहाँ पे देखना है। GBP डॉलर जो वीकली क्लोज दिया है वो है आपका 1.2599। बैक टू बैक दो वीक जो है GBP डॉलर वीकनेस देखा गया है। इस लास्ट वीक में ये आपका -1.04% नेगेटिव क्लोज दिया हुआ है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे RSI एक रेंज शिफ्ट किया है, नियर टू 60 में रेजिस्टेंस लेके नीचे जा रहा है। इस यहाँ पे नीचे जाने का हायर पॉसिबिलिटीज हो सकता है, जो आपका इनिशियल सपोर्ट लेवल एक आपका 1.25 के आसपास होने का प्रोबेबिलिटीज है। इसको डेली चार्ट में देखेंगे तो डेली चार्ट में भी अच्छा खासा एक नेगेटिव प्राइस एक्शन देखा गया। ये आपका 1.25 के तरफ जाएगा या और फर्दर नीचे टूवर्ड्स 1.22 के तरफ जाएगा अगर डेली RSI फेल्स टू टेक सपोर्ट एट 40। ये RSI जो है, एक पॉसिबिलिटीज ये है कि मंडे ऑनवर्ड्स ये सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाए या कंटिन्यू करे डाउनवर्ड फॉर द लोअर टेरिटरी। अगर नीचे के तरफ जाते हैं सो GBP डॉलर में फर्दर प्रेशर रहेगा, व्हिच मे टेक GBP डॉलर टुवर्ड्स 1.2500 लेवल। अभी आते हैं हमारा GBP INR प्राइस। GBP INR में जो वीकली क्लोज दिया है वो है आपका एट 105.29 with a negative bias of 0.26% vis-a-vis the previous week. यहाँ पे थोड़ा सा कम negativity देखा गया because dollar rupee में एक अच्छा खासा upward move हमने देखे है, due to which GBP dollar strong weakness के साथ close देने के बावजूद GBP INR में इतना ज्यादा negativity इस हफ्ते में नहीं देखा गया। अगर हम डेली चार्ट को देखेंगे, डेली चार्ट में यहाँ पे एक प्रीवियस सपोर्ट लेवल है, कौन सा है आपका 105.20। फ्राइडे के दिन में यहाँ पे एक डोजी कैंडल बनाया हुआ है। अभी डोजी का मतलब पॉज, लो के नीचे कंटिन्यूएशन, हाई के ऊपर पुल बैक। अभी मंडे अनवर्स हमें देखना है GBP INR क्या ये इस पिन बार जो है या डोजी कैंडल जो है इसके लो के नीचे सस्टेन करते हैं। If so, further down towards first 104.60 एक possibilities है, then towards 104.00 की तरफ एक possibilities हो सकते हैं। अभी आते हैं हमारा यूरो डॉलर का
यूरो डॉलर जो वीकली क्लोज है वो आपका एट 1.0806 विथ ए नेगेटिव 0.74% डाउन क्लोज के साथ विजा विदा प्रीवियस वीक। यहाँ पे बैक टू बैक दो नेगेटिव कैंडल हमने देखे हैं, जिसके कारण यहाँ पे अच्छा खासा विद ये जो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस लेवल पे रेस्पेक्ट करके दोबारा नीचे की तरफ आ रहे हैं, नीचे की तरफ आ रहे हैं। RSI also near to 60 में रेजिस्टेंस लेके साउथवर्ड हो रहे हैं। दैट बीइंग द केस यहाँ पे आप देखोगे एक डोजी कैंडल है आपका वीकली डोजी कैंडल, बैक टू बैक दो डोजी कैंडल बेसिकली। ये 12 फरवरी का जो लो है दैट मींस 1.0695 दिस बिकम्स वेरी क्रूशियल। इसके लो के नीचे अगर सस्टेन करते हैं इन सच ए केस और फर्दर डैमेज टू यूरो डॉलर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, व्हिच मे टेक यूरो डॉलर डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स 1.0565। क्या ये फर्दर जाते हैं ये हमें देखना पड़ेगा। अगर हम डेली चार्ट में देखेंगे थर्सडे एंड फ्राइडे को अच्छा खासा नेगेटिव मींस एक्शंस यहां पे हमने देखे हैं। डेली RSI टुक रेजिस्टेंस एट 60 एंड मूव्ड डाउन, करेंटली इट इज अप्रोचिंग 40 एट 41.90 लेवल्स। यहां पे मंडे अनवर्स दो पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, एक तो है 40 के आसपास सपोर्ट लेके बाउंस बैक करें, दैट इज द फर्स्ट प्रोबेबिलिटी। एंड सेकंड प्रोबेबिलिटी क्या है, ये 40 के नीचे फर्दर कंटिन्यू करें। हमें अभी देखना है कौन सा होते हैं, क्या ये RSI 40 को रेजिस्टेंस लेते सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ पुल बैक करते हैं या सपोर्ट को ब्रेक डाउन करके नीचे की तरफ और भी फर्दर डाउनवर्ड मूव करते हैं, कौन सा एक्टिविटीज करते हैं। अभी एक हल्का सा बाई जोन पे अटके हुए मींस CIP व्हिच इज कॉल्ड अप मींस बाइंग जोन के वहीं पे क्लोज दिया हुआ है व्हिच इज योर 1.0800। हमें मंडे को देखना है क्या ये यहाँ पे सपोर्ट लेके कैंडल सब ऊपर की तरफ जाते हैं या फर्दर साउथवर्ड कंटिन्यू करते हैं ऑन ए डेली पर्सपेक्टिव, ये हमें देखना है। एंड अकॉर्डिंगली वी कैन आइडेंटिफाई द बायस और द ट्रेडिंग मींस इंटरेस्ट। यूरो INR जो वीकली क्लोज दिया हुआ है वो है एक स्पिनिंग टॉप कैंडल विद प्राइस रिजेक्शंस एट हायर एंड। यहाँ पे देखोगे यूरो डॉलर जो है वो नेगेटिव क्लोज दिया हुआ है बट ड्यू टू डॉलर रुपी इंपैक्ट यहाँ पे पॉजिटिव क्लोज है, वीकली पॉजिटिव क्लोज 0.09%। ये एक स्पिनिंग टॉप कैंडल विद प्राइस रिजेक्शन एट द हायर एंड, दैट बीइंग द केस यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट है जिसको ये रेस्पेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। एक टाइम फ्रेम नीचे की तरफ अगर हम इसको ड्रिल डाउन करेंगे तो यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है, ट्रेंडलाइन सपोर्ट है। क्या प्राइस एक्शन मंडे अनवर्स इस सपोर्ट के नीचे क्लोज देते हैं एंड उसके बाद फर्दर लोअर डायरेक्शंस में प्रोसीड करते हैं या सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाते हैं, अकॉर्डिंगली वी कैन प्रिपेयर आवर व्यूज ऑन यूरो INR। अभी आते हैं डॉलर येन, डॉलर येन में जो वीकली क्लोज दिया है इट्स एन 1.62% higher than the previous week close at 151.40 levels। यहाँ पे अभी हमें देखना है कि RSI at 61.60, so ये 60, 61, 62 levels में क्या ये resistance लेके नीचे की तरफ आते हैं, something like this, या आपका इसके आसपास resistance means या 152 के आसपास आपका 151.80 के आसपास 32 इयर्स का हाई है 151.80 से 152.00 क्या इस लेवल पे BOJ इज मींस हैंडलिंग मींस इंटरवीनिंग और नॉट वो हमें देखना है। डेली पर्सपेक्टिव में प्राइस सेक्शंस में हम अगर देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बैक टू बैक ग्रीन कैंडल्स फॉर्म होने के बाद फ्राइडे को एक नेगेटिव, इट्स अ पॉजिटिव कैंडल बट रेड इन कलर। अभी हमें यहाँ पे एक एम पैटर्न का इंतजार है अगर इसको नीचे आना है तो। इस टाइप का नेगेटिव कैंडल अगर होते हैं दैट इज गोइंग टू बी द बेस्ट केस सिनेरियो फॉर शॉर्टिंग डॉलर येन। अभी आते हैं येन INR, येन INR में जो क्लोज दिया हुआ है एट योर 55.17 विथ ए नेगेटिव 0.76% वीकली क्लोज लोअर देन द प्रीवियस वीक क्लोज। सो यहाँ पे बार बार इसको टेस्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ टाइम
और ये वाला फिफ्थ टाइम इस लेवल पे आ रहे हैं, क्या इस लेवल पे सपोर्ट लेके दोबारा ऊपर की तरफ जाते हैं या इस सपोर्ट को ब्रेक डाउन करते हैं, ये हमें देखना पड़ेगा। अगर हम RSI को देखेंगे, RSI 840.5, क्या RSI 40 में सपोर्ट लेके दोबारा ऊपर की तरफ जाते हैं या 40 रेजिस्टेंस को तोड़ के नीचे की तरफ जाते हैं, ये हमें देखना है। अगर हम डेली प्राइस सेक्शंस में देखेंगे तो यहाँ पे एक आपका क्या हुआ, एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ है। यहाँ पे हमें एक बेसिकली W पैटर्न चाहिए, W पैटर्न के साथ देन एंड ओनली देन वी कैन लुक फॉर सम बाइंग अपॉर्चुनिटीज लाइक हियर। यहाँ पे एक देखिए W पैटर्न, इस W पैटर्न के बाद एक अच्छा खासा अप मूव हमने यहाँ पे मिला है, क्या इस टाइप का कुछ बाइंग अपॉर्चुनिटीज हमें मिलते हैं, इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। अभी आते हैं डॉलर कैंडी क्लोज जो दिया हुआ है एट 1.3603 विद ए वीकली क्लोज 0.49% पॉजिटिव विसावी द प्रीवियस वीक। करेंटली इट इज एट रेजिस्टेंस 1.36, काफी टाइमों से ये रेजिस्टेंस जोन के हिसाब से काम कर रहे हैं। RSI करेंटली एट 56.14, ये भी आपका 60 को अप्रोच कर रहा है। तो मंडे ऑनवर्ड्स क्या ये यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके नीचे आते हैं या रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर की तरफ जाते हैं, दीज आर द टू प्रोबेबिलिटीज वी कैन थिंक फॉर। थर्ड प्रोबेबिलिटी भी है टाइम यहाँ पे कंसोलिडेट करने का, दैट एट द मोमेंट वी आर नॉट डिस्कसिंग। $80 जो वीकली क्लोज दिया हुआ है एट 0.6513 with a negative close of 0.70 vis-a-vis the previous week. तो यहाँ पे एक जोन बन चुका है, इस जोन से जोन को क्लियर करना है, then and only then हम एक buying या selling opportunities देख सकते हैं। सबसे खराब परफॉर्मेंस था आपका CNH में। CNH में जो वीकली क्लोज है ये 1.07% higher than the previous week close at 7.27 levels में, यानी यहाँ पे फ्राइडे के दिन में CNH में अच्छा खासा प्रेशर देखा गया। क्या ये मंडे अनवर्स ये CNH में प्रेशर कंटिन्यू होते हैं या PBOC इंटरवेनिंग स्ट्रॉन्गली टू कर्टेल द CNH डिप्रिसिएशंस, इसको हमें देखना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लाइन है, क्या प्राइस मंडे अनवर्स यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके नीचे आते हैं RSI टर्म्स में, RSI एट 60, क्या 60 RSI इज गोइंग टू एक्ट एज ए रेजिस्टेंस। These are the two things हमें देखना है मंडे ऑनवर्ड्स, क्या CNH का जो depreciation का level है उसमें थोड़ा पॉज आते हैं, PBOC थोड़ा रेस्ट्रिक्ट करते हैं या नहीं, इसको हमें देखना पड़ेगा। अगर restrictions नहीं आते हैं यानी यहाँ पे PBOC is not intervening high-handedly to bring CNH towards 7.20 or ये आपका 7.297 एंड अबोव जाने लगता है, सो डॉलर रुपी में एक बढ़िया सा बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग इंटरेस्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी ब्रेंट क्रूड कैश चार्ट, ब्रेंट क्रूड का जो कैश चार्ट है वो क्लोज दिया हुआ है आपका यहाँ पे एट 84.92। इसका ये आपका चार्ट जो है ये थोड़ा सा बेटर आया हुआ है, कौन सा फ्यूचर चार्ट यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर बनाया हुआ है एट रेजिस्टेंस लेवल। सो क्या नेक्स्ट वीक में यहाँ पे हमें एक नेगेटिव कैंडल मिलता है, देन नेगेटिव कैंडल समथिंग लाइक दिस, इस टाइप का नेगेटिव कैंडल मिलते हैं, देन इट इज गोइंग टू बी एज ए इवनिंग स्टार। अगर इवनिंग स्टार का फॉर्मेशन होते हैं तो आने वाले हफ्तों में क्रूड ऑयल पे थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर रहेगा, लेकिन एज ऑफ नाउ हमें थोड़ा सा केयरफुली देखना है, क्योंकि डेली चार्ट में अगर हम देखेंगे यहाँ पे एक पहले का रेजिस्टेंस था विच इज नाउ एक्सपेक्टेड टू एक्ट एज ए सपोर्ट, यानी ऐसा ना हो यहाँ पे सपोर्ट लेके ये दोबारा ऊपर की तरफ चला जाए। क्या मंडे ऑनवर्ड्स ब्रेंट क्रूड फ्यूचर ये प्रीवियस सपोर्ट कौन सा है 84.30 के आसपास सपोर्ट लेके ऊपर जाते हैं या 84.30 सपोर्ट को ब्रेक डाउन करके नीचे की तरफ आता है, दैट इज गोइंग टू डिटरमिन द क्रूड ऑयल मींस एक ट्रेंडेड डायरेक्शन की तरफ। अभी आते हैं US 10 ईयर ट्रेजरी,
यूएस ट्रेनर ट्रेजरी जो वीकली क्लोज दिया है एट 4.20 विथ ए नेगेटिव ऑफ 2.51% विजिट द प्रीवियस वीक्स क्लोज। अभी यहाँ पे प्राइस एक्शंस क्या बोल रहे हैं, प्राइस एक्शन को अगर आप देखोगे एक स्टेप, अभी क्या ये लो को तोड़ता है, कौन सा लो, इस लो को तोड़ते हैं, इन सच केस दैट इज गोइंग टू द बेस्ट केस सिनेरियो, वो अगर होते हैं तो बहुत ही बल्ले बल्ले बहुत ही बढ़िया एक हम कैंडिडेट मूव टूवर्ड्स 3.80 के तरफ देख सकते हैं। लेकिन क्या ये जो रेजिस्टेंस लेके नीचे के तरफ आया है 4.36, क्या दोबारा आने वाले हफ्तों में, आने वाले दिनों में क्या ये दोबारा इस हाई को चैलेंज करेगा, पहला केस। दूसरा केस, क्या ये इस 11th मार्च का जो लो है, जिसका लो है आपका 4.05, इसके लो के नीचे वीकली क्लोज देगा, डिपेंडिंग ऑन दैट वन यूएस टेनर ट्रेजरी हमें एक कुछ मूवमेंट के लिए इंडिकेशंस कर सकते हैं। यूएस 2-year ट्रेजरी जो वीकली क्लोज दिया है 4.59, ये भी आपका नेगेटिव 2.94% नेगेटिव क्लोज के साथ विस-अ-विस द प्रीवियस वीक क्लोज दिया हुआ है। इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल पे यहाँ पे आपका एक रेजिस्टेंस के नीचे आ रहा है, लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शंस वीकली पर्सपेक्टिव में आ रहे हैं। यहाँ पे आप देखोगे एक बॉक्स बनाया हुआ है, ये जो बॉक्स है दिस बॉक्स इज वेरी क्रूशियल, क्यों, अगर इस बॉक्स के ऊपर क्लोज देते हैं 2-year ट्रेजरी, देन ये जो नंबर है इट मे मूव हायर टूवर्ड्स 5.0 अगर होते हैं, बट आई एम नॉट टेलिंग कि ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन इन केस नेक्स्ट वीक या आने वाले हफ्ते में इस बॉक्स के हायर क्लोजिंग देते हैं, दिस इज गोइंग टू बी ए डेंजर सिग्नल, एक पॉसिबिलिटी। दूसरा प्रोबेबिलिटी, अगर ये नीचे के तरफ इस बॉक्स के नीचे क्लोज देते हैं, समथिंग लाइक दिस, इन सच ए केस दिस इज वेरी गुड सिनेरियो व्हिच मे टेल दैट यूएस 2-year ट्रेजरी मे बी हेडिंग टुवर्ड्स 4.13 लेवल इन कमिंग मींस इन नेक्स्ट मंथ अप्रैल। तो क्या होते हैं ये वीकली पर्सपेक्टिव में प्राइस एक्शंस, ये जो बॉक्स, इस बॉक्स इज हाईली इंपॉर्टेंट, इसके हाई के ऊपर, ऊपर की तरफ टुवर्ड्स 5.07 एंड नीचे अगर क्लोज देते हैं तो देन इट इज हेडिंग टुवर्ड्स 4.1215 के तरफ, कौन सा लेवल में ब्रेक आउट करते हैं दैट इज गोइंग टू डिसाइड द फेट ऑफ डॉलर एंड अदर करेंसीज ऑल्सो द इक्विटी मार्केट ग्लोबली। अभी आते हैं डॉलर, डॉलर रुपी जो वीकली क्लोज दिया हुआ है वो है आपका 83.51, इंट्राडे में फ्राइडे के दिन ये ट्रेडेड हाई ऑफ 83.71, बट लास्ट मोमेंट में थोड़ा सा आई मीन रेजिस्टेंस मिला वहां पे। तो बेसिकली क्या हुआ सीनरी, आप देखोगे फ्राइडे के दिन में जो डॉलर रुपी ओपन हुआ वो ओपन हुआ था आपका 83, हमारे इंडियन मार्केट में मींस एट 9 o'clock इट ओपन एट 83.2829, ट्रेडेड लो ऑफ 83.2526, देन zoomed up ट्रेडेड हाई ऑफ 83.4045 लेवल्स में, वहां पे अच्छा खासा इंटरवेंशंस देखा गया जिसके कारण टिल 3:30 जो क्लोजिंग दिया था वो था 83.43, लेकिन वंस द मार्केट इंडियन मार्केट क्लोज्ड उसके बाद स्टॉप लॉसेस स्टार्टेड गेटिंग ट्रिगर्ड, जो 83.50 जो एक इंपॉर्टेंट क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल था उसको तोड़ने के बाद मींस धराधर वन आफ्टर द अनदर स्टॉप लॉसेस गॉट ट्रिगर्ड, बिकॉज ऑफ व्हिच डॉलर रुपी ट्रेडेड हाई ऑफ 83.71 लेवल्स, फाइनली इट क्लोज्ड एट 83.5। अभी क्वेश्चन इज व्हाट नेक्स्ट, यानी मंडे ऑनवर्ड्स, या मंडे तो हमारा इंडियन मार्केट क्लोज्ड है, ट्यूसडे ऑनवर्ड्स हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू चेक सीएनएच, क्या ये करेंटली जो 7.27 में क्लोज दिया है ये क्या 7.29 एंड अबव की तरफ मार्च करते हैं, अगर करते हैं तो डॉलर रुपी इज गोइंग टू मूव टुवर्ड्स 84, भयंकर शॉर्ट कटिंग फर्दर हो जाएगा, विच मे टेक डॉलर रुपी टुवर्ड्स 84 और इवन लिटिल हायर। इन केस पीबीओसी
restricts your CNH depreciation. And by way of intervening in the market actively, if CNH is brought down towards 7.20, 7.21, in such a case, there may be some respite on dollar bills. क्योंकि CNH के साथ साथ रुपी का मीन्स आउटफ्लो बेसिक ज्यादातर CNH के साथ वो रुपी का मैचिंग हो रहा है, क्योंकि हमारा आउटफ्लो CNH चाइना में भी काफी ज्यादा है, जिसके कारण CNH के डेप्रिसिएशन में रुपी भी अच्छा खासा डेप्रिसिएट हो रहा है. सो क्या CNH मंडे ऑनवर्ड्स 7.27 से 7.29 एंड अबोव जाते हैं? इफ सो राम भरोसे ऑन डॉलर रुपी. अगर CNH मीन्स पीबीओसी इसको रेस्ट्रिक्ट करके 7.20, 7.21 या उसके भी नीचे लेके आते हैं, देन देयर विल बी सम रेस्पाइट फॉर डॉलर रुपी. एंड इन सच ए केस डॉलर रुपी का जो नया हाई है वो बरकरार है. वन मोर थिंग इज योर डॉलर इंडेक्स. क्या डॉलर इंडेक्स मंडे ऑनवर्ड्स इस रेजिस्टेंस जोन को तोड़ के ऊपर की तरफ चले जाते हैं? अभी हमारा जो रिसेंट स्विंग हाई है वो है 105. क्या ये 105 के ऊपर सस्टेन करते हैं या 105 के नजदीक से फिर रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आते हैं? डिपेंडिंग ऑन दैट डॉलर रुपी में भी थोड़ा बहुत मूवमेंट होगा. क्या डॉलर इंडेक्स 105 एंड अबोव जाते हैं? सो दैट मे पुट सम प्रेशर ऑन डॉलर रुपी. अगर डॉलर इंडेक्स ये 105 के आसपास रेजिस्टेंस लेके दोबारा नीचे की तरफ आ जाते हैं टुवर्ड्स 103, इन सच केस देयर इज गोइंग टू बी सम रेस्पाइट फॉर डॉलर रुपी. एंड आल्सो वी नीड टू सी हाउ द इनविजिबल हैंड्स आर बिहेविंग. क्या वो दोबारा एक लेवल को प्रोटेक्ट करते हैं या दे अलाउ द स्टॉप लॉसेस टू गेट ट्रिगर्ड एंड शॉर्ट सेलर्स आर मर्डर्ड लाइक एनीथिंग, बुचर्ड लाइक एनीथिंग. क्या होगा वो ये दो तीन चीज हमें देखना है. सो करेंसी वीकली एनालिसिस अभी के लिए इतना ही. आशा करता हूँ ये प्रेजेंटेशन आप सभी को अच्छा लगा. इफ सो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए अमोंग योर फ्रेंड सर्कल. कल होली है, आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं. मंगलवार ऑनवर्ड्स मार्केट में थोड़ा सा नॉर्मलसी आ जाए, कुछ एक बढ़िया सा पॉजिटिव ट्रेंडेड मूव मिले एंड एवरीवन कैन मेक सम गुड ट्रेडिंग प्रॉफिट्स इन देयर रेस्पेक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स. थैंक यू एंड हैप्पी होली वंस अगेन. बाय बाय.